नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। आस्था के महापर्व छठ के मौके पर जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे गए हैं। जिले में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे जिले में 1000 से अधिक पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। जिला प्रशासन एवं अनुमंडल प्रशासन द्वारा हर चौक चौराहों से लेकर छठ घाटों तक पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। वहीं जिला मुख्यालय समेत अनुमंडल क्षेत्र के सभी घाटों पर छठ पूजा की तैयारी अंतिम चरण में है, इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी कर कहा कि छठ से पहले सभी तैयारियां पूरी हो जानी चाहिए। शहर में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखने के लिए पूरे जिले की पुलिस बल के साथ पर्याप्त संख्या में होमगार्ड को तैनात किया जा रहा है। SDPO ने रात्रि गश्ती को भी तेज करने का निर्देश दिया। वहीं घाटों पर महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़खानी की घटना ना हो, इसीलिए सादे लिबास में पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक मुख्य चौक चौराहों पर 1-4 की संख्या में पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे। वहीं असामाजिक तत्वों पर तीसरी आंख से भी नजर रखी जाएगी। उन्होंने सभी थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया कि असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखते हुए विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। किसी भी कीमत पर असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी थाना अध्यक्ष अपने अपने थाना क्षेत्रों में रात्रि गश्ती पर स्वयं जाएं। वही सीमावर्ती इलाकों में विशेष सतर्कता बरते। बॉर्डर पर पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इस वक्त हम कमला नदी पर मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि छठ पूजा को लेकर काफी सफाई और तैयारियां की जा रही है। आइए यहां के स्थानीय लोगों से जानते हैं कि इस बार घाट पर जो साफ सफाई चल रही है वो किस तरह से चल रही है। जी अंकल, किस तरह से साफ सफाई चल रही है यहाँ पर? ग्रामीण लोगों की सहयोग से सब कुछ परंपरा से हो रहा है और आज भी हुआ है। और हम ग्रामीण मिल करके बांस का चचरी यहाँ आज 20 बरस से सब साल प्रत्येक साल बनाते हैं और अपना सरकार का इसमें कोई एक पैसा देन नहीं है। प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं। एक पैसा का देन नहीं है, लेकिन प्रशासन तो कह रहे हैं कि हम लोग बहुत कुछ सहयोग कर। कहीं कोई प्रशासन बोले हम लोगों के सामने में? हम ग्रामीण अपना मेहनत से बना करके अपना कमाई खटा करके इसमें देते हैं, परिश्रम करके करते हैं। एक नया पैसा सरकार का ना इसमें देन है। क्या लग रहा है कि इस बार कोरोना काल में छठ पूजा मनाया जाएगा, तो क्या सावधानी बरती जाएगी या नहीं? हम लोग कोरोना से बहुत सावधानी से रहेंगे और सोशल डिस्टेंस में पर्व का जो हम लोग मनाएंगे वो अपना उस कोरोना का निभा करके और उसका उससे सावधान होकर के हम लोग अपना काम करेंगे, पर्व मनाएंगे। भैया, क्या लग रहा है कि इस बार छठ पूजा का जो साफ सफाई चल रही है वो ठीक चल रही है? हाँ, ठीक चल रहा है। ठीक चल रही है। और देखा जा रहा है कि इस बार कोरोना काल में छठ पूजा मनाया जाएगा, उसके लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि बहुत सारे कार्यक्रम इस बार नहीं किया जाएगा, तो उस पर क्या कहना है? यहाँ तो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी सब बार होता था, लेकिन कोविड के कारण ही जो है सो उसको बंद रखा गया। और हम लोग जो कमेटी यहाँ काम करता है वो प्रयास रखेंगे कि जितना भी सोशल डिस्टेंस हो सके उसको मेंटेन किया जाए। अच्छा, देखा जा रहा है प्रशासन की तरफ से बहुत कुछ मतलब सुविधा दिया जा रहा है, उसका पालन हो रहा है या नहीं? प्रशासन है आप लोगों को? नगर पंचायत प्रशासन की तरफ से सफाई का सुविधा है और ये लाइट उट जितना है, यहाँ नवयुवक छठ पूजा समिति के नाम से एक कमेटी लगभग 10 वर्षों से काम कर रही है, वही उसका खर्च जो है सो वहन कर। सिर्फ खर्च जो साफ सफाई का? सफाई केवल नगर पंचायत प्रशासन करवाती है, संतोषजनक सफाई है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या लग रहा है कि लोग कोरोना का पालन करेंगे यहाँ पर? ये तो कहना मुश्किल है कि कोरोना का पालन, हम लोग प्रयास करेंगे। वैसे बैनर पोस्टर बन रहा है कि माने सामाजिक दूरी रखा जाए, मास्क का उपयोग करें सब आदमी, हम लोग जहां तक संभव हो पाएगा करेंगे। जी सर, हम ये जानना चाहते हैं कि इस पर जो व्यवस्था देखी जा रही है घाट पर वो किस तरह से किया जा रहा है? घाट पर हम लोग सुरक्षा के सभी इंतजाम किए हुए हैं, यहाँ पर पुलिस और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति होगी और यहाँ पर हम लोग जो जितने भी व्रती हैं उनको भी आगाह किए हैं कि कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं करना है, सबको मास्क का प्रयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इसको देखते हुए लोक आस्था के इस महापर्व का को मनाना है। अच्छा, देखा जा रहा है सर कि सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है कि कोरोना काल में बहुत कुछ इस बार छूट नहीं दिया गया, क्या लग रहा है कि इस बार पालन होगा? हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी लोक आस्था का ये पर्व है, हम लोग अपने तरफ से सभी को
जनता को, आम जनता को, व्रती को ये मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि व्रत भी मनाना जरूरी है और कोरोना का भी ध्यान रखना जरूरी है। कोरोना से भी बचना उतना ही जरूरी है जितना व्रत करना जरूरी है। ऐसी ही जानकारी के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना।